दोस्तों म्यूजिक लिसनिंग एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको अपने फेवरेट गाने, अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट लोगों को सुनानी होती है। फिर चाहे वो फैमिली गेट टुगेदर हो, दोस्तों के साथ पूल पार्टी हो, या फिर आप फिटनेस ट्रेनर हो, डांस टीचर हो, कुछ लोग मेडिटेशन करते वक्त म्यूजिक सुनते हैं, या फिर आपके घर में आपको पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं जिस पे वो अपना फेवरेट म्यूजिक सुन पाएंगे। इस सिचुएशन में हमें काम आएंगे पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स, जो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं और बड़े ही इजीली हम उन्हें कैरी कर सकते हैं और अपना म्यूजिक जहां मर्जी चाहे सुन सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सी कंपनीज है, ब्लॉपंक्ट है, JBL है, सोनी है, ये तो खैर बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं। एक और ब्रांड इसमें बहुत दिनों से काम कर रहा है जिसका नाम है ट्रिबिट या ट्राइबिट। जो बाकी के ब्रांड मैंने बताए वो जनरली कमर्शियल स्पीकर्स या फिर होम थिएटर सिस्टम्स भी बनाते हैं, लेकिन ट्रिबिट एक ऐसी कंपनी है जो प्रोमिनेंटली काम करती है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिए। उस वजह से होता यह है कि इनके स्पीकर्स की रेंज भी बहुत ज़्यादा है और हर प्राइस रेंज में ये आपको अवेलेबल होंगे विद मल्टीपल फीचर्स। आज हम देख रहे हैं ट्रिबिट की तरफ से आने वाला उनका सबसे बजट फ्रेंडली स्पीकर ट्रिबिट एक्स साउंड गो। आज करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके सारे फीचर्स, देखेंगे इसके फीचर्स का डिटेल डेमो और अंत में जानेंगे इस स्पीकर के सारे प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये है बैकस्पेस टेक्निकल, जहां हम रिव्यू करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी जिंदगी आसान बनाते हैं। बॉक्स में आपको मिलता है यूजर मैनुअल, टाइप सी चार्जिंग केबल और ट्रिबिट एक्स साउंड गो स्पीकर। स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही टफ है। मैं इसको बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं और एक दो बार ये ऑलमोस्ट 3.5 feet के हाइट से नीचे गिरा है, लेकिन ये बिल्कुल अनडैमेज रहा है। स्पीकर के टॉप में आपको मिलेगा पावर बटन, ब्लूटूथ पेयरिंग बटन, प्ले और पॉज बटन, जिसको लॉन्ग प्रेस करके आप अपने मोबाइल से वॉइस असिस्टेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो सीरी हो या फिर ओके गूगल, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, जिससे आप ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं, और इसमें दिए हुए माइक के जरिए आप अपने फ़ोन कॉल्स उठा सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर के टॉप 5 फीचर्स की। इसका पहला फीचर तो ये है कि ये IPX7 रेटिंग के साथ आता है, जिसमें ट्रिबिट कमिट करता है कि ये स्पीकर 1 meter पानी के नीचे 30 मिनट तक फंक्शन कर सकता है। दूसरा फीचर है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो ऑन पेपर कमिट करता है 100 फीट की रेंज बिटवीन योर डिवाइस एंड दिस स्पीकर। इसका तीसरा टॉप फीचर है स्टीरियो पार्टी, मतलब आप सिमिलर ट्रिबिट का स्पीकर लेकर उन दोनों को एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं और अपना म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस एनहांस कर सकते हैं। इसका चौथा सबसे बड़ा फीचर है इसकी साउंड क्वालिटी, जिसके लिए आप ये स्पीकर खरीदने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, इसके साइज पे आप बिल्कुल मत जाइए। ये बहुत ही पावर पैक स्पीकर है, 16 वॉट्स के स्पीकर आते हैं इसमें। एंड मैंने ये स्पीकर इसलिए खरीदे थे क्योंकि मैं ऐसे स्पीकर्स ढूंढ रहा था जो हाई वॉल्यूम पर भी
क्रैक ना करे जिनका साउंड, एंड डेफिनेटली आई कैन गारंटी दिस कि ये स्पीकर हाई वॉल्यूम पे बिल्कुल भी क्रैक नहीं करते हैं, आपको बहुत ही सीमलेस म्यूजिक लिस्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। इसका पांचवा फीचर है, इसमें दिया हुआ टाइप सी पोर्ट और एक ऑक्सिलरी पोर्ट। टाइप सी पोर्ट की वजह से आपको मल्टीपल चार्जिंग केबल्स या मल्टीपल चार्जर्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे, और ऑक्सिलरी केबल आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके डिवाइस में शायद ब्लूटूथ नहीं होगा या फिर आपके टेलीविजन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन आपको इस स्पीकर पे उसे सुनना है, तो आप डेफिनेटली इसको ऑक्सिलरी से कनेक्ट करके उस पर से भी अपना जो मीडिया है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो पहला इसका प्रो है इसकी साउंड क्वालिटी। 16 वॉट के स्पीकर्स इसमें आते हैं, एंड लेट मी टेल यू, आप जब भी इस पे म्यूजिक सुनेंगे आपको लगेगा आप किसी 2.1 स्टीरियो सिस्टम पे अपना म्यूजिक सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाई वॉल्यूम पे इसका साउंड बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता है और बहुत ही सीमलेसली आप अपना म्यूजिक या अपना मीडिया एक्सपीरियंस एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा इसका प्रो है वॉइस असिस्टेंस। इसके प्ले बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप अपने फ़ोन का वॉइस असिस्टेंस जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो सीरी, और अगर एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो ओके गूगल। और इसके माइक के थ्रू आप अपने वॉइस असिस्टेंस से बात कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं एज इफ यू आर यूजिंग योर ओन फोन। तीसरा प्रो है IPX7 रेटिंग, जो स्पीकर को डस्ट और वाटरप्रूफ बनाता है। तो जब आप कभी साइकिलिंग के लिए जाते हैं या फिर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या आप कोई पूल पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं, यू नीड नॉट टू वरी, यू वोंट मिस अ बीट। दोस्तों, पोर्टेबल स्पीकर की वजह से एक ब्रीड जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो है बाथरूम में गाने सुनने वाले लोग। अगर आप उस ब्रीड से बिलोंग करते हैं तो ये स्पीकर आपको वहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये एक ऑलरेडी वाटरप्रूफ स्पीकर है और इसके साथ जो लूप आता है उसको आप अपने बाथरूम में कहीं पे भी लटका सकते हैं और अपना फेवरेट म्यूजिक नहाते वक्त सुन सकते हैं। वैसे तो स्पीकर की बैटरी लाइफ 24 घंटे कमिट की गई है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आप कम से कम 12 घंटे अनइंटरप्टेड म्यूजिक इस स्पीकर पे सुन सकते हैं। बैटरी से ही जुड़ा हुआ एक और फीचर इसका ये है कि ये स्पीकर आता है टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ, मतलब आपको आपके मोबाइल के चार्जर से ही आप इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू कैरी मल्टीपल चार्जर्स विथ यू। इसी चार्जिंग पोर्ट के साथ में आपको मिलता है एक ऑक्सिलरी पोर्ट जो आपके कनेक्टिविटी ऑप्शंस बढ़ाता है। स्पीकर की रेंज बहुत अच्छी है, जैसे कि हमने डेमो में भी देखा कि हमने कम से कम 20-25 फीट के दूरी से हमारा मीडिया इस पे स्ट्रीम किया था और उसने एक अच्छा रिसेप्शन हमें दिया था। अब इतने सारे प्रोज होने के बावजूद भी इसमें थोड़े बहुत कॉन्स है। तो इसका पहला कॉन ये है कि ये सिर्फ एक ही डिवाइस को एक बार कनेक्ट कर सकता है। अगर आपको दूसरा डिवाइस कनेक्ट करना है तो आपका प्रीवियस डिवाइस आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम स्पीकर के साथ ये है कि इसके बटन्स इनिशियल यूज़ के लिए थोड़े से हार्ड महसूस हो सकते हैं। अब इसका प्ले और वॉल्यूम के बटन्स जो है वो मल्टी फंक्शंस बटन भी है, मतलब उन पे डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक भी करना पड़ सकता है आपको। तो उस केस में आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट द मोर यू यूज़ द स्पीकर मे बी आपका वो प्रॉब्लम आगे जाके सॉल्व हो जाए। स्पीकर में ऑक्सिलरी छोड़ के कोई और पोर्ट दिया नहीं है, ना मेमोरी कार्ड का पोर्ट है, ना USB पोर्ट है, ना ही इसमें FM दिया गया है। तो डेफिनेटली प्राइस रेंज को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है एक और कोई मल्टीपोर्ट ये दे सकते थे। अब ये जो कॉन है वो बड़ा ही सब्जेक्टिव है, ये मेरे केस में हुआ है। जब भी मैंने इस स्पीकर को Amazon Prime Video से कनेक्ट किया है तब इसने मुझे बहुत ही निराश किया है। कभी लैग आ जाता है या फिर जो साउंड है वो थोड़ा सा हॉलो हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे प्राइम वीडियोस के सेटिंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या ये स्पीकर की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी मैंने इस पे यूट्यूब सुना है या फिर कोई और एप्लीकेशन से मीडिया कंज्यूम किया है, क्रिकेट मैच देखा है, तो तब मुझे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। वहाँ पे ये बहुत ही सीमिंगली फंक्शन कर रहा था।